The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year, question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है. तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज में, जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग है और अलग अलग इंडिविजुअल फिनोमेनाज हैं. एक है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एक है एब्जॉर्प्शन. सो यही डिफरेंस आज हम देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है ये देखेंगे एंड ये फिनोमेना क्या है ये देखेंगे. ओके, सो पहले तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एड्सॉर्प्शन देखते हैं. इन एड्सॉर्प्शन द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल गेट एड्सॉर्ब्ड, क्या होता है इसमें मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड हो रहा है एट द सरफेस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्बेट. सो जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट. द सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एट एड्सॉर्बेंट. तो जो एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस पे एडजॉर्बेट क्या हो रहा है, चिपक रहा है, आप ये समझिए. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन. दिस इज अ सरफेस फिनोमेना. जो भी अटैचमेंट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक ही लिमिटेड है, सरफेस में ही एडजॉर्बेंट जो एडजॉर्बेंट है उस पर एडजॉर्बेट चिपक रहा है. सो एडजॉर्बेंट क्या है, लेट्स से ये कोई सरफेस है. ओके, ये कोई सरफेस है एंड इस पे मॉलिक्यूल्स आके अडियर हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो आपका जो सरफेस है ये एडजॉर्बेंट कहलाएगा. और ये मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेट. ये सरफेस फिनोमेना है. नाउ एब्जॉर्प्शन इज अ सेपरेट मैकेनिज्म from adsorption because of the molecules undergoing absorption are soaked by the length not by the air. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, this is दूसरा phenomena, absorption. Adsorption तो हमने देख लिया surface phenomena है, इसमें जो molecule है या जो adsorbent है वो surface पे आके adhere हो जाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, for example ये आपका surface है, इसमें molecules क्या हो गए, absorb हो गए surface से आके. ठीक है, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन द सरफेस वेयर द फिल्म ऑफ एब्जॉर्बेट इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस एंड एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्बिंग एजेंट. ठीक है, तो कंप्लीट वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्ब हो गए. सो एब्जॉर्ब मतलब सोक कर लेना.
आपके मॉलिक्यूल्स को आपके सरफेस ने कंप्लीटली वॉल्यूम में बाय लेंथ सोक कर लिया है. इट इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना, एड्सॉर्प्शन ही सरफेस फिनोमिना है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो अब थोड़ा आइडिया लग गया, एड्सॉर्प्शन इज अडियरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस एंड एब्जॉर्प्शन वो मॉलिक्यूल्स उसमें समा जाते हैं, सिर्फ अडियर नहीं होते, सिर्फ चिपकते नहीं है, उसमें पूरे के पूरे मिक्स हो जाते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? सो एब्जॉर्प्शन इज द एडहेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एन आयन्स और कैटायन्स और आयन्स और एटम्स टू द सर्फेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड. The molecules accumulate only at the surface and do not enter the bulk of adsorbing material. ये enter नहीं करते उस substance में, ये सिर्फ adhere होते हैं. First point at the substance whose molecules get adsorbed at the surface is called absorbent. अभी just हमने पढ़ा, the substance on whose surface the process takes place is called as adsorbent. It is a surface phenomenon. What is absorption? Absorption is a physical and chemical effect or a mechanism in which electrons, molecules, ions join the bulk phase of that substance, even so, either solid or liquid. Now, difference, definition हमने already cover कर लिया. Phenomena क्या है? It is a bulk phenomena. Absorption में ये समा जाएगा, आपका जो substance है वो आपके surface पे समा जाएगा and it is a surface phenomena. ये एक दूसरे पे mix नहीं होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? Adhere होते हैं, आपका adsorbent and absorbent. हीट एक्सचेंज कैसी होती है इनमें? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी, और इसमें हीट क्या होगी? कंज्यूम होगी. नाउ टेम्परेचर, द टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन, बट एब्जॉर्प्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफकोर्स. Okay, now rate of reaction in absorption, it occurs in uniform rate, it occurs uniformly, but adsorption increases steadily and it reaches some type of equilibrium as well. Now concentration, the concentration stays constant throughout the medium, but in adsorption the concentration at the bottom of adsorbent is different from the bulk. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा? एट द बॉटम एज कम्पेयर टू द कंप्लीट थिंग. बट एब्जॉर्प्शन क्या है? ये थ्रू आउट मीडियम क्या रहता है? सेम रहता है, इक्वल रहता है. ओके, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच. काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. एंड अगर आप इनको एक चेंज करके लिख देंगे तो आपके पूरे आंसर का सेंस ही चेंज हो जाएगा. बहुत बार बच्चे एब्जॉर्प्शन की जगह एड्सॉर्प्शन लिख देते हैं, एड्सॉर्प्शन की जगह एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं. दे फील दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर सेम एंड दे कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, बट ऐसा नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है. आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा. अगर ये हेल्पफुल है तो क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एनी ऑफ अवर क्लासेस, ऑल द क्लासेस आर अवेलेबल इन अवर एप्लीकेशन, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू अस, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमें वहाँ टेक्स्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू अगेन एवरी वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय.